नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लंबी जद्दोजहद, पर्दे के पीछे बातचीत और राजनीतिक हिसाब किताब लगने के बाद राजस्थान में कांग्रेस एक सुलह के फॉर्मूले पर पहुंचने में सफल रही। अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे के बीच खींची तलवार, म्यान में लौट राजस्थान। अजय माकन प्रभारी राजस्थान कांग्रेस, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भाई अशोक गहलोत साहब, हमारे AICC के वर्किंग कमेटी के मेंबर और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, AICC में सेक्रेटरी मेरे साथी तरुण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित, राजस्थान के हमारे AICC के वर्किंग कमेटी के मेंबर और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, AICC में सेक्रेटरी। विलम के बाद जो मंथन के बाद जो अमृत निकला, मैं समझता हूँ वो उसका फायदा मिलेगा पार्टी। तो क्या सचिन पायलट के सारे गिले शिकवे अब स्वाहा हो गए? राज्य की इकाई और AICC इस बार भी ऐसा हुआ। सब लोगों से चर्चा करी, सबकी बात सुनने के बाद जो सबसे सही रास्ता था, जो पार्टी के हित में था, तेरा मेरा ना करके, लेकिन हम लोगों ने जो पार्टी के हित में था उसको किया है, ताकि जनता का विश्वास पुनः जीतने में हम लोग कामयाब हो सके। तो क्या गहलोत पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई को अब खत्म मान लिया जाए? राष्ट्रीय पार्टी है, जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी में लिए जाते हैं वो AICC और आलाकमान हमेशा लेते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव लड़ना है, टिकट वितरण होना है, नेतृत्व कौन करेगा, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये शुरू से ही हम कंसल्ट हमेशा करते हैं। सचिन पायलट आश्वस्त दिख रहे हैं, उनके भाषा बता रही है कि कैबिनेट विस्तार में डीलिंग ठीक ठाक रही। आलाकमान ने उनकी बात सुनी और उनकी राय का सम्मान हुआ। शपथ ग्रहण से पहले सचिन पायलट का मीडिया के सामने यूं आना और नई लिस्ट पर समर्थन दे देना साबित करता है कि पायलट गहलोत की खेमेबंदी में अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए गए हैं, बंटवारे का अनुपात भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। 12 नए चेहरों को मंत्री बनाया जा रहा है। गहलोत खेमे को 7 मंत्री मिले, पायलट के 5 समर्थकों को मंत्री बनाया जा रहा है। पायलट खेमा इस वक्त खुश दिख रहा है, नए मंत्री पायलट की वफादारी के गीत गा रहे हैं। कुल पैरवी की, मेरा पक्ष रखा, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है और हाईकमान तक बात पायलट साहब ने पहुंचाई। अब पार्टी फैसला कर देती है तो पार्टी के फैसले के अवेल ना कोई कर सकते हैं क्या हम? और इस्तीफा तो यूँ, वो एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर विधायक के रूप में, जनता की गुणामालानी की सेवा करने की, और उस रूप में मैं विधायक के रूप में अपनी सेवाएं ठीक से नहीं दे नहीं पा रहा था। क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्या अड़चने आ रही थी आपको? जो भी कुछ भी अड़चने थी उसके लिए, जनता की अगर सेवाएं ठीक से नहीं दे पा रहा था उसके लिए जिम्मेदार तो मैं ही था। ऐसा उसको भी नाराज नहीं कह सकते, हक की बातें थी। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने विशेषकर कमजोर तबके ने कांग्रेस को भारी वोट दिया था और इस बार सबकी सहमति से, सबके सामंजस्य से करीब करीब अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है और हाईकमान के फैसले ठीक है, सब मिलकर काम करेंगे, 2023 में वापस गवर्नमेंट बनाएंगे। राजनीति में सामने दिखना और सच में वही होने के बीच बड़ा फर्क होता है। पायलट और गहलोत की लड़ाई के बारे में सपाट और सीधे शब्दों में कोई भी निर्णय देना शायद सही नहीं होगा, लेकिन पायलट फिलहाल यही संदेश दे रहे हैं कि अब कोई पेंच नहीं रहा। तो उधर विस्तार पर तकरार के नए हथियार लेकर कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। अलवर के विधायक जौहरी लाल मीणा के तेवर कह रहे हैं कि विस्तार की राह इतनी भी आसान नहीं है। मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विशेष से नाराज हूँ और व्यक्ति विशेष ये है कि तिजोरी चाबी चोर को नहीं दी जाए। हमारे अलवर जिला में टेकराम झूली ने भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच रखा है, उस आदमी को स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मंत्री बनाया है। ये हमारे दुर्भाग्य, हमारे जिले के दुर्भाग्य, हमारे जिले का आज काला दिवस मनाया जा रहा है, हमारे पूरे MLA खिलाफ है, पूरी जनता खिलाफ। जौहरी लाल मीणा अकेले नहीं है, असंतोष के सुर साफिया जुबैर, बाबूलाल बैरवा और BSP से आए विधायक दीप चंद्र खड़िया भी अलाप रहे हैं। यानी कांग्रेस में ऑल इज वेल कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेता बस अगले कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस वक्त जयपुर लिए चलते हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। बस
घंटे भर से भी कुछ कम का समय रह गया है, शरद वहीं हॉल में मौजूद हैं। शरद, फिलहाल तो ये बताइए कि वहां चल क्या रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और सब कुछ ठीक ठाक, या विरोध के जो स्वर कांग्रेस में सुनाई दे रहे हैं वो मुखर हो सकते हैं और वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है। देखिए सईद, इस बात को कांग्रेस समझती है कि किस तरह से विरोध के स्वर सुनाई देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो अजय माकन है वो लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बल्कि आप पार्टी की चिंता कीजिए। मैं मुझे एक बार कहा था सोनिया गांधी ने, मैंने पद छोड़ दिया था पार्टी के लिए, तो आप लड़िए मत, क्योंकि अजय माकन को इसका भान है कि यहाँ से क्या होने वाला है। इसलिए सारे जितने ये मंत्री हैं, ये मंत्री बनने वाले हैं, और इन सारे लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप लोग मंत्री पद के लिए मत लड़िएगा, पद के लिए मत लड़िएगा, पार्टी के लिए काम कीजिएगा। ये जो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का संदेश है, वो संदेश यहाँ पर समझा रहे हैं अजय माकन, सचिन पायलट, अशोक गहलोत सब यहाँ बैठे हुए हैं। समझा जा सकता है कांग्रेस समझती है कि सियासत राजस्थान की इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बाहर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नारेबाजी हो रही है। इसका मतलब अभी भी दल मिला दिए गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। दिल जब तक नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस में जो ये सियासी खाई है राजस्थान में, ये पटने वाली नहीं है। सईद, ठीक है शरद, हम लगातार आपके पास आएंगे, जैसे ही शपथ ग्रहण शुरू होगा तब भी आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, वासुदेव देवनानी जी, बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री दोनों हैं। आलोक जी, वासुदेव जी, नमस्कार, आप दोनों का स्वागत। वासुदेव जी, धन्यवाद। वासुदेव जी, जब से वसुंधरा राजे की सरकार गई है, आपकी सरकार गई है और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, तभी से अशोक गहलोत, सचिन पायलट में खींचतान चल रही है, तनातनी चल रही है, कई विधायकों के गुट सामने आकर खुलकर सामने आ चुके हैं, तो ये आपकी संख्या उतनी नहीं है कि जोड़ तोड़कर निर्दलियों को, बीएसपी को अपने साथ मिला लें और सरकार बना लें, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या ये कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी कलह आप में है जो कांग्रेस में इतनी गुटबाजी होते हुए, माफी चाहते हैं देवनानी जी, अशोक गहलोत बोल रहे हैं, आपके पास दोबारा आते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो हाईकमान का कोई हमारी ताकत रही है, 45 साल देख रहे, 50 साल देख रहे हूँ, लगभग 2 साल बाकी होंगे, इंदिरा की जमाने देखता हूँ कि जो कांग्रेस का हाईकमान फैसला करता है, नीचे तक उसको स्वीकार करता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत थी इस बात की। मुझे उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलकर कैसे लागू करें, अपने जिम्मेवारी निभाएं और योगदान करें, सुशासन देंगे, जगह वापस आएंगे। ये जो माहौल बना है इस बात, ये सब आपका कारण बना है। इस प्रकार के पिछले तीन चार में जो मैंने ये सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने करी है, विधायकों ने करी है, मंत्रियों ने करी है, सबके निर्णय से, चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोई और चुनौती आई हो, कोई कमी नहीं रही। प्रदेशवासियों के साथ लेके हम चले हैं, इसीलिए आप बाई इलेक्शन में भी 8 में से 6 बाई इलेक्शन आप जीते हो। आप अच्छे अभी तो उनका टुकड़े साफ हो गया, जमानत होगी 3 नंबर पर है। कुछ अंदाज लगा लीजिए कि अभी लोगों का मूड क्या है, उसी रूप में जो हमारे मंत्री बने हैं या पहले थे उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हमारी बढ़ जाती, कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जब मंत्री बन जाता है तो पब्लिक भी उम्मीद करती है भाई अपनी भूमिका रूप में निभाएंगे, किस तरह हम जनता का विश्वास जीते रहे क्षेत्र में, या जो मंत्री बनता है वो प्रदेश का मंत्री होता है, तो प्रदेशवासी आएंगे उनके पास मिलने के लिए, उनका टाइम फिक्स हो कि इस टाइम वो मिलेंगे घर पर, बिना अपॉइंटमेंट मिलेंगे तो टाइम फिक्स हो, ऑफिस का टाइम फिक्स हो कि ऑफिस मिलेंगे काम करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग रिव्यू मीटिंग चलती रहे, ये तमाम काम अगर ढंग से करेंगे और पब्लिक में जाएगा तो कोई सरकार आने रोक नहीं सकता, कोई मंत्री नहीं बन पाएंगे लोग, क्योंकि सबको उम्मीद होती है। जब से ये लिस्ट आई है तब से मेरे पास में कई टेलीफोन आए कि मिलने आए मुझे लोग, अजय माकन जी से आए, अध्यक्ष से मिले हैं, हम जानते हैं कि भावना क्या है, वो भी कोई कम नहीं है। जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे जो जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है, जिस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किए उन्होंने,
हम लोग जब क्राइसिस में थे तब भी काम की कमी नहीं रखी। 34 दिन तक हमारे साथ रहे वो लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे या बीएसपी आए हुए लोग थे या हमारे कांग्रेस लोग थे, उनको कैसे जिंदगी में भूल सकते हैं हम, इस बात का एहसास मुझे आज दिमाग में रखे। पर सोनिया गांधी जी का एक नारा था, एक बार एआईसीसी में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखे, धैर्य रखे। और बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था जो धैर्य रखता है कभी न कभी उनको चांस मिलता ही मिलता है, ये एक्चुअली बात है। और ये मान्य मानता धैर्य रखने पड़ता, सबके फैन एक साथ हो नहीं सकते। ये जो मंत्रिमंडल बना होगा ये अजय माकन जी जानते हैं, प्रियंका जी जानती है, अरविंद कुमार जी जानते हैं, या सोनिया जी राहुल जी जानते होंगे कि किस रूप में लाती चिंता करते हुए भविष्य की और कितनी एक्सरसाइज की होगी, किस रूप में की होगी। महिलाएं भी आए, एससी भी आए, एसटी में एसटी का भी भागीदारी हो, माइनॉरिटी की भागीदारी भी हो, किसानों की भागीदारी भी हो, सब तरह से निचोड़ कर करके जो फैसला हुआ है वो हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। सब मिलकर हम लोग चलेंगे, बाकी जो बच गए हैं उनको हम कहीं एड्रेस भी करवाएंगे, सब मिलके ऐसा माहौल बनाएंगे कि पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि इस बार कांग्रेस जो है संकल्प किए हुए हैं कि बार बार जो बदलाव आता है सरकारों में इस बार वापस रिपीट करके दिखाएगी कांग्रेस जी हमारी भावना। उम्मीद करता हूँ कि गोविंद दत्ताचार्य जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस जन जो है राजस्थान के वो सब एकजुट रहेंगे, इनके एक इशारे पर चाहे वो आह्वान करें मीटिंग का, कन्वेंशन का, अधिवेशन का, शिविर का, तो सबको भागीदार बनना है चाहे एमएलए हो या मंत्री हो। ये ऐसी मीटिंग जो अभी तो हम तो फ्लैग लग रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वरना कांग्रेस अधिवेशन में मंत्री या मुख्यमंत्री हो वो पूरे अधिवेशन में क्या और जगह मंत्री बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं वो आगे बैठेगा मंत्री, कोई प्रोटोकॉल में सब बराबर है हमारे कांग्रेस के अंदर कि जाजब भी है ऊपर सब बराबर है। इस रूप में भावना रहती है कांग्रेस की, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावना समझ रहे हैं, उसी रूप में आप चलेंगे। यही बात करता हूँ मैं पुनः बधाई देता हूँ तमाम हमारे साथियों जिनको एक मौका मिला वहां पर काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सोनिया गांधी को राहुल गांधी को निराश नहीं करेंगे, ये मैं इन सबसे अपेक्षा करता हूँ। और अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। एक मिनट, कोई नहीं हटेगा, एक मिनट। ये जो नव शपथ लेने वाले मंत्री साहब अशोक गहलोत, देखिए समझा बुझा रहे हैं अपने विधायकों को। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वासुदेव देवनानी जी, आलोक शर्मा जी, लेकिन उससे पहले शरद के पास लिए चलते हैं। शरद, क्या समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत? आप ये वो बैठा करते हुए आप पहले चलो। शरद हमें सुन पा रहे हैं आप? शरद से जैसे ही संपर्क हो रहा होता है, शरद राजस्थान में बस सबसे कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होने वाला है। आज तक भर हम आपको सीधे शपथ ग्रहण पूरा दिखाएंगे, हमारे संवाददाता शरद कुमार वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ वासुदेव देवनानी जी और आलोक शर्मा जी भी मौजूद हैं। देवनानी जी, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस में इतनी उठापटक, इतने तनातनी, इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी आप वहां पर कुछ क्यों नहीं कर पाए? आप देखिए, थोड़े दिनों में ही आपको इसके परिणाम दिखाई देंगे। ये ताश के महल के पत्तों की तरह ये सरकार आज जिस प्रकार का विस्तार की बात हुई है उससे निश्चित से इनकी अंतःकलह उभर करके आई है। एक और तो हेमाराम जी कह रहे हैं कि मेरे नेता सचिन पायलट हैं, यानी मुख्यमंत्री को नेता मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से अलवर में इतने सारे विधायकों ने इस शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट करने का तय किया, जूली को कैबिनेट मंत्री बनाने का अनुरोध कर रहे हैं, उसे लगता है, और जिस तरह से भी मुख्यमंत्री जी का भाषण आप सुना रहे थे उससे लगता है कि केवल संतुष्ट करने लॉलीपॉप देने में प्रयास कर रहे हैं। 34 दिन तक इन्होंने पता नहीं किस किस को क्या क्या आश्वासन दिए, क्या क्या झूठे प्रलोभन दिए। अब जब उनकी आशाओं पर तुषारा पात हुआ है, अब उनको लगता है कि हमारी कोई सोल्यूशन नहीं है।
वासुदेव जी खुलकर के सामने नहीं, वासुदेव जी ये तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम आपसे ये समझना चाहते थे सर कि कांग्रेस में इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आपका संख्या बल बहुत कम है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे हैं, या अभी आप इंतजार करेंगे? हम हमारे विपक्ष का रोल हम अदा कर रहे हैं, वो अदा करते भी रहेंगे, समय आने पर उसकी पूरी भूमिका भी निभाएंगे। अभी पहले इनको आपसी अंतर कलह से नीचे गिरने तो दो, ये अपने खुद गिरेंगे, हमको इनको गिराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आज जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है एक मंत्री के पति पर, तो निश्चित रूप से कहीं उसका आरोप है कि जिसका महिला शोषण की, और यदि उसके पत्नी को यदि आप मंत्री बनाओगे उससे राजस्थान में किस प्रकार से महिलाओं का सुरक्षा होगी, ऐसे कई प्रश्न हैं जो आप देखेंगे कि आज 4 बजे बाद या उसका कोर्टफोर विस्तरण के बाद ये खुल करके ठीक है सर। देवनानी जी, देवनानी जी ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। एक जल्दी से एक रिएक्शन आलोक जी का ले लें। आलोक जी ये विभिन्न आरोप तो देवनानी जी लगा रहे हैं, लेकिन समय खत्म हो गया आलोक जी, मैं माफी के साथ जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए, कैसे सब कुछ ठीक ठाक? देखिए मुझे लगता है कि जब पटेल सचिन पायलट जी कह रहे हैं मैं खुश हूं, अशोक गहलोत जी पूरी तरह से आगे राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं, हाईकमान भी खुश है, बीजेपी के पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है कि वहां पर सब कुछ ठीक क्यों है। तमाम एक्सरसाइज के बाद एक ऐसा मंत्रिमंडल राजस्थान को मिला है जो राजस्थान को नई दिशा देगा। वसुंधरा और सतीश पूनिया गुट में क्या चल रहा है, येदुरप्पा और बोम्बई गुट में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, बीजेपी पहले इनका उत्तर दे। ठीक है आलोक जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।